ये हेल्दी है, अच्छी लग रही है, तो ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिलता था और मैं भी चुप करके सुन लेती थी कि हाँ जी मैं तो प्यारी हो रही हूँ, मैं तो मोटी हो रही हूँ, बेली फैट कम हुआ था, मेरे इंचेस कम हुए थे, 75 से मैं 50 पे चली जाऊँ, ये मैंने 2 से 3 महीना ही किया था और आज से 2 साल पहले मैंने ठान ली जो वेट कम करना ही करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, काफी टाइम से ना आप लोग सब मुझे एक ही बात बोल रहे थे कि अपनी वेट लॉस जर्नी जो है शेयर करें। जो लोग मुझे पुराने देखते आ रहे हैं उनको पता है कि मेरा वेट अच्छा खासा था, वेट जो है शादी के बाद बहुत ज्यादा हो गया था, एकदम सही 2-4 महीने बाद ही ना मैंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। और जैसे कि शादी के बाद सबका होता है कि जी शादी के बाद ये हेल्दी हो गई, ये बहुत हैप्पी है, तो इस वजह से इसका वेट गेन हो रहा है, ये हेल्दी है, अच्छी लग रही है, तो ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिलता था और मैं भी चुप करके सुन लेती थी कि हाँ जी मैं तो प्यारी हो रही हूँ, मैं तो मोटी हो रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब 1-2 साल गुजरे, मेरा वेट गेन होता रहा, तो उसके बाद ये हुआ कि अब मुझे PCOS का भी इशू होने लगा और मेरा वेट जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। इवन के 50 के बाद जो मेरा वेट है वो 60 पे गया, 60 प्लस पे गया, इस तरह से मेरा वेट गेन होता गया और एक वक्त आया कि मेरा वेट जो है 75 तक गया, 70 प्लस पे गया। और उस वक्त मुझे फील हुआ कि मैं जो बहुत थका हुआ खुद को महसूस करती थी, बहुत चिड़चिड़ापन, बस मुझे होता था कि बस मुझे लेटे रहना है, मुझे खड़े नहीं होना, और इवन के मुझे होता था कि मैं यहाँ से चल के दरवाजे तक ना जाऊं, बस मेरे सारे काम बेड पे हो जाए, मतलब मैं इतनी लेजी हो गई थी। तो ये बात नहीं होती कि वेट जो है आपने कम करना है, आप खूबसूरत दिखेंगे, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जब वेट बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस तो जाता ही जाता है, अब लेजी हो जाते हैं, अब चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेडीज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आता है आपका PCOS का इशू आ जाता है, आपको जो है हार्मोन्स का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मेरी बहनें जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी कह रही थी, मुझे यूट्यूब पे भी कह रही थी कि आप जो है अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करें, बिल्कुल नहीं लगता कि कभी भी आपका वेट बढ़ा था। मैंने वेट लॉस जर्नी में क्या क्या किया, किन चीजों से मैं रुकी, किन चीजों से मुझे फायदा हुआ, किन चीजों से मुझे नुकसान हुआ, कौन सी चीजें घर बैठी हर औरत, हर लड़की, हर बच्ची कर सकती है और अपना घर बैठे वेट कम कर सकती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, मुख्तलिफ डाइट प्लान, डाइटिशियंस वगैरह, वो घर बैठे मैं बहुत अच्छी टिप्स उनके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपका वेट किस वजह से बढ़ रहा है, और अगर बढ़ चुका है और अब रुक चुका है तो आपने ये भी देखना है कि अब आपका वेट जो है वो कितना है, ठीक है, आपकी हाइट क्या है, और आपको देखना है कि आपको कितना वेट कम करना है। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा 75 तक गया था, तो मैंने एकदम ये चीज नहीं सोची थी कि मैं 75 से मैं 50 पे चली जाऊं या मैं 46 पे चली जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल को, अपनी बॉडी को सिग्नल देना होता है, ये बताना होता है कि भाई अब हमने ये काम करना है। बॉडी कुछ भी मांग रही है हम उसे दे रहे हैं, हमारा दिल जो चाह रहा है हम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वेट लॉस में सबसे बड़ी जो चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए जो थी, वो होती है आपकी हिम्मत। आप हिम्मत बनाएं, आप ये तय कर लें कि आपको वेट कम करना है। आज से 2 साल पहले मैंने ठान ली कि मुझे वेट कम करना ही करना है। 2 साल पहले मेरा वेट फिर से बढ़ गया था, सब चीजों से मैंने कम किया, क्या क्या चीजें इफेक्टिव हुई आगे चल के शेयर करूंगी। वेट ना स्टक हो गया था, इस बार जो था ना वो रुक गया था, वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, दूसरे नंबर पे आपने देखना है किन चीजों से आपका वेट बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पे देखना है कि आपको PCOS या हार्मोन्स के इश्यूज तो नहीं है। ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाएंगे और फिर देखेंगे, फिर आपकी वेट लॉस जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लाइक किसी भी औरत का जब वेट गेन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होता है, PCOS होता ही होता है। गलत है कि कोई बहुत ज्यादा मोटी औरत है या मोटी लड़की है और उसका वो PCOS का इशू नहीं होगा, उसको हार्मोन्स का इशू नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ चीजें मैंने अपनी जिंदगी में शामिल की, जो चीजें मैंने शामिल की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है रोटी चावल इसको कम कर दिया अपनी जिंदगी में, ठीक है, आपने रोटी को चावल को कम कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपने बिल्कुल छोड़ देना, और आज जो भी चीजें मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने मुताबिक जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको PCOS का हार्मोन्स का इश्यूज है तो आप पहले डॉक्टर से जो है मशवरा करेंगे, अपना पूरा चेकअप करवाएंगे, फिर जैसा डॉक्टर कहेगा वो करेंगे। नॉर्मली आपका वेट गेन हुआ है, आपको PCOS का इश्यू नहीं है, ठीक है, आपने 10-15 किलो कम करना है, आप जो है मेरी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने रोटी कम की, मैंने चावल कम किए, चीनी बिल्कुल छोड़ दी, नमक कम कर दिया, मैंने ऑयल जो है अपनी लाइफ में कम कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी और लेडीज जो घर पे हाउसवाइफ होती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऑयल बिल्कुल छोड़ सकती हैं, चीनी बिल्कुल छोड़ सकती हैं, नमक बिल्कुल छोड़ सकती हैं, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे पतला होना ही होना है
और मैंने तय कर लिया था कि ये जो मुझसे चला फिरा नहीं जाता, मेरे पाँव में दर्द होता है क्योंकि मेरा जो काम है ना वो घंटों खड़े होकर मेकअप करना होता है, वीडियोस शूट करनी होती थी, उस वक्त बहुत मुश्किल होती थी, मेरे पाँव सूज जाते थे। इससे पहले मुझे ये नहीं था कि मुझे प्यारा दिखना है, मुझे ये था कि मुझे ये वजन उतारना है जिसको मैं उठा नहीं पा रही। अच्छा, रोटी जब मैंने कम की तो कम मैंने किस तरह से की, सुबह में मैं जो है दलिया ले लेती थी, अब दलिया ले सकते हैं, अब तलबीना ले सकते हैं। दलिया जो है ना आपने जौ का लेना है, ठीक है, गंदुम नहीं लेनी। अगर गंदुम का ही दलिया लेना है तो फिर गंदुम की रोटी खा लें, और जो चीज मुझे सूट करती थी मैं उसको पिक करती थी, जो नहीं सूट करती थी मैं उसको स्किप कर देती थी। आप लोगों ने भी ऐसे करना है। उसमें मैं दलिया ले लेती थी, कभी मैं फ्रूट्स ले लेती थी, कभी जो है मैं तलबीना ले लेती थी, कभी जो है मैं सिंपल दूध ले लिया, कोई एक आध फ्रूट ले लिया, इस तरह मैं करती थी। नाश्ते से पहले मैं 6 गिलास पानी लेती थी। पहले मैंने 3 गिलास से स्टार्ट किया, 2-3 गिलास से, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टील वाला बड़ा मग रखा हुआ है उसमें 3 गिलास आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था। एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि अगर आपने हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है ना, आपने सब कुछ खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, नहीं कि बिल्कुल छोड़ दे और ऐसा नहीं है कि उसी तरह खाते रहें। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी हाइड्रेशन। आपकी बॉडी जो है ना डाइट के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेट हो जाती है, आपकी स्किन अजीब सी हो जाती है। जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपको वेट कम करने में आसानी होगी, आप बहुत आसानी से अपना वेट कम कर सकेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, मेरे साथ जो चीज हुई थी, मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा 1-2 महीने बिल्कुल वेट स्टक हो गया था। इवन कि मैं डाइट कर रही थी, मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं वॉक कर रही थी, मैं जितनी वीडियोस एडिट करती थी ना मैं चलते फिरते करती थी, मैं ज्यादा बैठती नहीं थी, मैं ज्यादा लेटती नहीं थी। कभी मैं बहुत थकी होती थी और मुझे लगता था कि अब मैं लेजी हो रही हूँ तो मैं थोड़ी देर बैठती थी और मैं चलना फिरना शुरू कर देती थी, यानी 15-20 मिनट से ज्यादा मैं एक जगह पे बैठती या लेटती नहीं थी, मतलब उठ के चलना फिरना शुरू कर देना, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना, यानी अपनी बॉडी को आपने एक्टिव रखना है। ये 3 चीजें आपने करनी है, खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, पानी बहुत ज्यादा पीना है, और आपने खुद को अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। मैं क्या करती थी घर पे, नॉर्मल जो भी आपकी सब्जी दाल जो भी चीज बनी है आप ज्यादा सारा सालन ले लें, लेकिन शर्त है कि उसमें ऑयल कम हो, उसमें नमक कम हो, उसमें मिर्चें कम हो। साथ साथ इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, अच्छी रहे, ये नहीं है कि आप वेट कम कर रहे हैं। हेल्दी तरीके से आपने वेट लॉस करना है, ना कि कमजोर हो जाए। लंच में आपने सालन ले लेनी है, रोटी ले लेनी है, सिंपल आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स आप हल्का सा उसको सौते करके वो चीजें आप ले सकते हैं, स्टीम में कोई चीज ले सकते हैं। उसके साथ ज्यादा सारा सलाद लेती थी। कुछ अर्सा मैंने ऐसे किया और उसके बाद ये है कि मैंने रोटी जो है एक टाइम कर दी थी, एक टाइम रोटी कर दी थी। वीक में एक बार मैंने चावल किए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 वीक के बाद मैं चावल लेती थी एक दफा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे और अच्छा लगने लगा, मुझे वेट कम मजीद करना था, तो मैंने 2 हफ्ते बाद जो है राइस लेती थी या कोई इस तरह की चीज, नान खा लिए, राइस ले लिया, पिज्जा बर्गर, इस तरह की चीजें मैं 2 या 3 वीक के बाद करने लगी। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है और आपको उसको पीछे लेके आना, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को आदत डालें। अगर आपके सर में दर्द रहने लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को भी थोड़ा थोड़ा खुश रखें और अपनी बॉडी को भी आदत डालें जैसे आप उसको डालना चाहते हैं। लंच भी हो गया। अच्छा, लंच से लेके डिनर तक, अब ये जो बीच का टाइम होता है ना स्नैकिंग का होता है, लोगों ने खाम खा बस बना दिया कि भाई अब शाम के 5 बज गए, अब तो चाय भी मस्त है, अब तो पकौड़े भी मस्त है। अब लोगों को होता है भाई शाम होगी अब चाय पीनी है, चाय के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। अगर आपकी बहुत मजबूरी है आपने चाय पीनी ही पीनी है, मेरी लाइफ में तो ना चाय थी ना है, ना ही मुझे कोई इतना ज्यादा इशू हुआ। शाम में एक टाइम आपने चाय कर देनी है। कोशिश करें चीनी की जगह आप उसमें शक्कर ऐड कर लें। वजन जल्दी कम करना चाहते हैं तो आपने चीनी भी शक्कर भी सब कुछ छोड़ना, मीठा ही छोड़ देना है, जो है ना वैसे ही चाय पी लें अगर आपका बहुत शौक है। जब आपको पता चलेगा कि आपका वेट कम हो रहा है, आप प्यारे दिख रहे हैं, हल्के फुल्के हैं और आप एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगी। जो काले चने होते हैं वो मैं ले लेती थी क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगती थी। उस बीच में जो छल्ली होती है, भुट्टा, कॉर्न, जो भी उसको आप कहते हैं, वो उबली हुई या भुनी हुई जो भी हो वो आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं मसाले, स्पाइसेस, इस तरह की चीजें, ऑयल, नमक, ये चीजें मैं यूज नहीं करती थी। फिर उसके अलावा भी मेरी क्रेविंग खत्म नहीं हुई और डिनर का टाइम नहीं हुआ, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही, तो मैं एक आध खजूर ले लेती थी, फ्रूट को ही ले लेती थी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आ जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर में मैं क्या लेती थी, शाम में जो भी सब्जी मैं अच्छी सी बना लेती थी, ऑयल, मिर्चें, नमक कम डाल के, ज्यादा सारी मैं सब्जी ले लेती थी, गोभी ले लें, पालक ले लें, जो चाहे सब्जी आप ले लें। आलू आपने कम कर देने, ये दाल हो तो भर भर के आप लें, उसको तड़का ना लगाएं, सिंपल दाल अच्छे से आप उसको
सारे मसाले वगैरह डाल के उसको उबाल लें और वो बहुत मज़े की दाल बन जाती है। इस तरह आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते की बात नहीं है, आपको 2-3 महीने 6 महीने आपको कितना टाइम लगता है ये आपकी बॉडी पे होता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग से काम करती है। टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और जिसके साथ आपका वेट मज़ीद तेज़ी से कम होगा। सबसे पहले आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप डाइट करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहते हैं। दूसरा ये कि आपकी स्किन जो है लूज नहीं होती, आपकी स्किन टाइट रहती है, आपकी स्किन फ्रेश रहती है, यूथफुल रहती है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं। आप 1-2 वीक एक्सरसाइज अच्छी वाली करके देखें, साथ वॉक करके देखें, एक विजिबल डिफरेंस देखेंगे। आपका वेट भी कम होगा इंशाल्लाह, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप फ्रेश भी दिखेंगे। मुझे वेट लॉस के दौरान किसी ने नहीं कहा कि हमारी स्किन खराब होगी, हमारे डार्क सर्कल्स पड़ गए, नींद भी आपने अच्छे से पूरी करनी है। और इसके अलावा जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा फायदा दिया है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसके बारे में अभी मैं बात करती हूँ कि उससे मुझे क्या रिजल्ट्स मिले थे। और अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने साथ साथ जो है चिया सीड्स आप ले सकते हैं, आप तो मलंगा ले सकते हैं, आप इसबगोल ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं ताकि आपका जो मैदा है ना वो हेल्दी रहे। आपका मैदा हेल्दी रहेगा तो आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, इमली आलू बुखारे का पानी इस तरह शरबत वगैरह बना के ले सकते हैं, चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी, ठीक। अब मैं आपके साथ लास्ट में टिप्स शेयर करती हूँ। आपने एक्सरसाइज मस्ट करनी है, 2-3 लीटर पानी पीना है। पहले 1 लीटर पे आप आ जाएं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप अपनी बॉडी को आदत डलवाएं कि आपने 1.5 लीटर पानी पीना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 लीटर, 2.5 लीटर पानी पी लेती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप तख मलंगा ले सकते हैं, आपने ग्रीन टी चाहे तो आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, ज्यादा ग्रीन टी भी आपने यूज नहीं करनी। मुझे ये चीज थोड़ी लेट पता चली लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे फायदा दिया वो थी इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है। आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो सर्च करेंगे आपको हर चीज डिटेल में मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी डिटेल शेयर नहीं करूंगी। फास्टिंग आपने कैसे करनी है, मैंने कैसे की थी, मैं वो चीज शेयर करूंगी। मुझे इसके रिजल्ट्स मिले, कोई साइड इफेक्ट्स मुझे इसके नजर नहीं आए। ये मैंने 2-3 महीने किया था और बेली फैट कम हुआ था, मेरे इंचेस कम हुए थे, मेरा वेट बहुत अच्छे से कम होना शुरू हो गया था। सबसे अच्छी चीज कि मैं खुद को बहुत एक्टिव और फ्रेश महसूस करती थी। तो ये चीज आपने जरूर ट्राई करनी है। अब शाम का टाइम है, डिनर का टाइम है, आपने कोई टाइम रख लेना 6-8 के बीच में, बस इस बीच आपने रात का खाना खा लेना है। नेक्स्ट डे 6 बजे खाना खाया तो सुबह 6 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना, 7 बजे खाया तो सुबह 7 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। ग्रीन टी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगे तो 1-8 सेब या कोई फ्रूट ले सकते हैं। मैं आड़ू सेब ले लेती थी अगर मैंने लेट नाइट जाग के काम करना होता था। आप भी इस तरह कर सकते हैं। पहले 12 घंटे से स्टार्ट करना है, 12 घंटे आपने कुछ खाना पीना नहीं है। कोशिश करें कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप टाइम पे सो जाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी टाइम पे सोएंगे उतना कम आपको भूख लगेगी, आप जितना लेट जागते रहेंगे आपको भूख लगती रहेगी। यानी आपने शुरू में 12 घंटे की फास्टिंग करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे को बॉडी को आदत हो जाए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको हल्का फुल्का फील होगा। और सबसे अच्छे जो इसके बेनिफिट्स मैंने देखे ना वो ये कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, आप पॉजिटिव रहने लगोगे, जो आपका बेली फैट कम होगा ना, जो कि कम नहीं होता। आप ये करके देखें, जरूर आपको इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं 12 घंटे पे आई, फिर मैं 14 घंटे पे आई, फिर मैंने 16 घंटे भी फास्टिंग की। यानी 16 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया, 6 बजे से नेक्स्ट डे जब तक 16 घंटे पूरे नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं खाती थी। और जिस दिन मुझे दिन के वक्त रोजा रखना होता था उस दिन मैं रात के टाइम फास्टिंग नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि रात के वक्त इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत काम करती है, क्योंकि आप रात को जितनी देर जागते हैं, जितनी देर खाते हैं, मैं कहती हूँ कि वेट कम भी है ना तो ज्यादा हो जाएगा, और अगर ज्यादा है ना तो उसने कभी कम नहीं होना। आप जितना मर्जी वेट लॉस कर लें, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, एक्सरसाइज, पानी, एप्पल साइडर विनेगर भी मैं दिन में 1-2 बार ले लेती थी। आपको सूट करे तो लें, कोशिश करें पहले 1/2 टीस्पून से स्टार्ट करें, आपको सूट करे, अच्छा लगे तो जरूर ट्राई करें, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके अलावा एक और टिप मैं शेयर करूंगी, एलोवेरा जो घर के अंदर आपके नेचुरल एलोवेरा जो होता है ना, वो आपने 1 चम्मच रोज उसका खा लेना, तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छे से अपना वेट कम कर सकेंगे। इसके बहुत बहुत फायदे इंशाल्लाह आपको होंगे, आप घर बैठ के बहुत अच्छे से अपना वेट कम कर सकते हैं, किसी से मदद लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो लोग अब वेट कम करना चाहते हैं ये तमाम चीजें ट्राई करें और मेरे साथ आगे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर मेरी आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, आप लोगों के लिए आसानी होती है, तो यही मेरा मकसद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।